हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू एजुकेशनल हैक। दिस इज योर प्रेम भैया और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन, जिसे हम हिंदी में पकड़ कहते हैं। इस चैप्टर से मैंने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया है एंड उस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था। हमने बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करके देखी थी कि एक्चुअल में फ्रिक्शन होता क्या है। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि फ्रिक्शन कहाँ पर कम लगता है, फ्रिक्शन कहाँ पर ज़्यादा लगता है। नाउ दिस विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इस चैप्टर को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए दिस विल ऑल्सो बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ हम मूव करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 12.3, फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन एक बहुत जरूरी बुराई। बहुत जरूरी बुराई भी है, इसका मतलब क्या हुआ? यस, फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी है, जरूरी भी है और हमारे लिए कहीं ना कहीं हमें लॉस भी देता है, हमें नुकसान भी करता है। तो हम इन दोनों चीजों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, इफ यू आर अ न्यू विजिटर टू आवर चैनल, जस्ट हिट दैट रेड बटन, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी कैसे है और हमारे लिए बुरा भी कैसे है, हमें नुकसान भी कैसे पहुंचाता है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इज इट इजियर टू होल्ड अ कूलर और अ ग्लास टम्बलर? आपने मिट्टी का कूलर तो देखा ही होगा ना, या आप ग्लास जो पानी पीते हो जिससे आप उसे पकड़ के देखो, क्या पकड़ना आसान है? हाँ भाई, बिल्कुल आसान है, हम उसको पकड़ के आसानी से पानी पी सकते हैं। सपोज द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। अब मान लो कि वही ग्लास जहां पर तुमने पकड़ा है, अगर वो बहुत ज्यादा चिकना हो जाए, ग्रीसी हो जाए और हैज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या अगर हम खाना बनाने वाला जो तेल होता है, सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल, कोई भी ऑयल हमारे घर में हो और अगर हम उसे ग्लास के सरफेस पर, जहां हमने ग्लास को पकड़ा है, अगर हमने वहां पर लगा दिया, वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? अब तुम बताओ, ग्लास को पकड़ना आसान हो गया या और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया? भाई डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लास बहुत ज्यादा फिसल रहा है, बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है। यस, जस्ट थिंक, और यही सोचो कि वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देर इज नो फ्रिक्शन? अब सोचो भाई कि अगर तुम्हारे हाथ और ग्लास के बीच में फ्रिक्शन ही ना रहे, ग्लास आपके हाथ से स्लिप करता जाए, तो क्या आप ग्लास के पकड़ पाओगे? क्या आप ग्लास को आसानी से पकड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो फ्रिक्शन का सबसे पहला फायदा यह है कि हम ग्लास को या मिट्टी के कुल्हड़ जिसमें हम चाय पीते हैं, हम उसको पकड़ पाते हैं आसानी से, क्योंकि हमारे हाथ और उस ग्लास के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। समझ में आया? अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक। अब जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे यार कि गांव की पगडंडियों पर चलना बरसात के मौसम में, जो कच्चे रोड होते हैं गांव के, वो इतने ज्यादा स्लीपी हो जाते हैं, वहां पर लोग इतने ज्यादा फिसलते हैं ना कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस रोड पर चलना। और वेट मार्बल फ्लोर, अगर आपके घर में टाइल्स हैं, अगर आपके टाइल्स पर ऑयल गिर जाए या उस पर पानी गिर जाए, वो किसी तरीके से गीला हो जाए, तो क्या आप आसानी से उस फ्लोर पर चल पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पैर और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, और जहां फ्रिक्शन नहीं होगा, आप स्लिप कर जाओगे, गिर जाओगे मोटू से सड़क पर लेट। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। समझ गए? कैन यू इमेजिन हाउ बीइंग एबल टू वॉक इट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? अब तुम सोचो भाई, अगर हमारे पैर और रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या आप चल पाते? बिल्कुल नहीं चल पाते। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। चलो ये सारी चीजें तो छोड़ो, आप जो पेन से पेपर पे लिखते हो ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपका पेन पेपर पे स्लिप कर जाता, आप एक भी वर्ड नहीं लिख पाते। ऐसा कैसे हो जाता भैया? आपने देखा होगा कि पेन जो होता है, पेन के सबसे ऊपर एक छोटा सा बॉल होता है, और जब वही बॉल जब पेपर के टच में आता है, तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है और वो बॉल मूव करने लगता है, जिससे जो अंदर की इंक होती है वो पेपर पर लिखाने लगती है। तो अगर बॉल मूव करेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो बॉल मूव नहीं करेगा, बॉल मूव नहीं करेगा तो इंक पेपर पर
छपेगा नहीं और हम किसी भी वर्ड को लिख नहीं पाएंगे, समझ गए? When your teacher is writing with chalk, अब अपने टीचर की ही बात देख लो, अपने टीचर को देखा ही होगा ना, जब वो चौक से लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, तो ध्यान से देखो, इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चौक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जब आपके टीचर चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि कभी आप अपने हाथों से ब्लैक बोर्ड को टच करो, ब्लैक बोर्ड पूरी तरीके से चिकना नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा रफ होता है, थोड़ा थोड़ा खुरदुरा होता है, जिसकी वजह से जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे, आपने चौक के पार्टिकल्स को तो देखा ही होगा, जहां ब्लैक बोर्ड से आपका टीचर लिखता है, आप उसके नीचे देखो बहुत सारे व्हाइट व्हाइट पार्टिकल्स गिरे हुए होते हैं, तो वो चौक के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब आपका टीचर चौक को ब्लैक बोर्ड में रब करता है, रगड़ता है, कुछ लिखने की कोशिश करता है, तो जो आपके चौक के पार्टिकल्स है ना, वो स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं उस ब्लैक बोर्ड से, जिसकी वजह से उस काले काले बोर्ड पे सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट वर्ड हमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो अब समझ में आया, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप ना तो पेन से पेपर पे लिख पाते, ना तो आपका टीचर चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख पाता, ना तो आप ग्लास को पकड़ पाते, और क्या क्या नहीं हो सकता अगर फ्रिक्शन ना हो तो, और कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी हमें, चलो आगे पढ़ते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, भाई अगर फ्रिक्शन ना हो ना, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलना स्टार्ट कर देगा तो वो रुकेगा ही नहीं। यस यस यस, अगर आप बॉल को बैट से मार दो, हिट कर दो, और अगर कोई फील्डर उसे रोकने वाला ना हो ना, तो वो बॉल आपका ग्राउंड पार कर जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका इवन भारत छोड़ के वो बॉल किसी दूसरे देश में चला जाएगा अगर फ्रिक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है भाई, फ्रिक्शन अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर चल रही है, तो वो फोर्स जो उस चलती हुई चीज को रोकता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, समझ गए? तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो चीज रुकेगी नहीं, और ये देश छोड़ के वो बॉल कहीं और यूएसए कनाडा न्यूयॉर्क घूमती रहेगी, ठीक है, वर्ल्ड टूर कर लेगी। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। अब देखो, आपने देखा ही होगा यार कि जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं, ठीक है, रबर के टायर्स होते हैं, और जो रोड होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, इसीलिए हम गाड़ियों को चला पाते हैं, हम गाड़ियों को टर्न कर पाते हैं, जहाँ पर भी टर्निंग आती है हम गाड़ियों को टर्न कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टायर और रोड के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। दे कुड नॉट बी स्टार्टेड, अगर टायर और उस रोड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तो ना तो गाड़ी स्टार्ट होती, ना तो गाड़ी रुक पाती, ना तो हम किसी भी दिशा किसी भी डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को मोड़ पाते। क्यों? क्योंकि भाई टायर क्या होता है, रोड से चिपक के चलता है, और अगर रोड से टायर चिपक के नहीं चलेगा तो क्या होगा, स्लिप करेगा, हम मोड़ेंगे कहीं और, हमारी गाड़ी मुड़ जाएगी कहीं और, लो भाई खाई में कूद गए हम कहीं पर लड़ भिड़ गए। तो फ्रिक्शन ना होने से नुकसान भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, जो हम लोहे की कील अपने दीवार में करते हैं ना, मतलब अंदर डालते हैं ताकि हम हैंगर वेंगर बना सके, अपने कपड़े वपड़े टांग सके, तो अगर फ्रिक्शन ना होना, तो जो नेल है, जो उस लोहे का कील है ना, वो स्लिप कर जाएगा दीवाल पर से, वो दीवाल के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। ना तो हम किसी भी रस्सी में गांठ बांध पाते, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो रस्सी क्या होती, जो रोप है आपका, वो स्लिप कर जाता, हम उस पे कोई भी गांठ बांध नहीं पाते। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, अगर फ्रिक्शन नहीं है भाई, तो अगर हम एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखना चाहेंगे, तो वो ईंट फिसल जाएगी और बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो समझ गए फ्रिक्शन कितना ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, एक बार बस इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लेना, ना समझ में आए तो बोलना, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ेंगे। भाई अब ये लड़की है, लड़की के बारे में हम बाद में देखेंगे। ये जूते देखो घिस जाते हैं हमारे जूते पुराने हो जाते हैं। ये जो अंदर के ये जो सोल्स दिख रहे हैं आपके, कभी कभी क्या होता है ना, इन सोल्स में भी होल हो जाता है अंदर। कैसे हो जाता है, हम रोड पर इस जूते को पहन के इतना ज्यादा चल चुके है ना, कि हमारा जो जूता है वो घिस जाता है फ्रिक्शन की वजह से। समझ गए, समझ में आ चुका होगा अब आपको। चलो अब हम आगे चलेंगे नीचे इस फिगर के। भाई और क्या हो रहा है यहां पर, ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल टू। अब अगर दूसरी तरफ हम देखें ना, तो फ्रिक्शन हमारे लिए काफी नुकसान भी करता है, हमें काफी मतलब ऐसे कह सकते हो लॉस भी करवाता है।
कैसे करवाता है भैया? चलो हम पढ़ते हैं। इट वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ द शूज। फ्रिक्शन सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या देता है, चाहे वो लोहे की कील हो, चाहे वो बॉल बैरिंग्स हो। बॉल बैरिंग क्या होती है, आपने देखा होगा गाड़ियों के पहियों में ऐसा ऐसा कुछ बॉल बैरिंग्स लगता है। आपके मशीन जो पानी देने वाली मशीन होती है ना गाँव में, उसमें भी बॉल बैरिंग्स का यूज होता है, मोटर में बॉल बैरिंग्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये बार बार घिसते घिसते ना, चाहे लोहे की कील हो, चाहे बॉल बैरिंग्स हो, चाहे हमारे इस जूते का जो ये निचला वाला हिस्सा है जिसे हम सोल कहते हैं, ये हो, ये घिसते घिसते क्या हो जाते हैं, ये लोग खराब हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं। समझ गए? यू मस्ट हैव सीन वॉर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशन। तुमने देखा होगा कि फ्रिक्शन की वजह से, दैट मींस कि आपने रेलवे स्टेशन पे जो ओवर ब्रिजेस होते हैं उनको देखा होगा आपने, लोग उन ओवर ब्रिजेस पर इतना चल देते हैं ना कि वो ओवर ब्रिज जो होती है वो खराब हो जाती है, वो घिस जाती है। क्यों? क्योंकि भाई फ्रिक्शन की वजह से। अगर लोगों के पैरों के और उस ओवर ब्रिज के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो वो ओवर ब्रिज कभी भी खराब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई हमारा पैर उस ओवर ब्रिज पे रगड़ाता है, रब करता है, और जब रब करता है तो कई सालों बाद वो ओवर ब्रिज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये कुछ नुकसान भी है हमारे, अगर फ्रिक्शन है तो कुछ उसका फायदा भी है और कुछ कुछ उसका क्या है, नुकसान भी है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। भाई फ्रिक्शन जो होती है वो हीट भी प्रोड्यूस कर सकती है। अगर हम दो चीजों को एक दूसरे में रगड़े ना तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। देखो, जो पहले के आदिमानव लोग थे ना, वो क्या करते थे, आपने देखा ही होगा, पहले के लोग दो पत्थरों को रगड़ के उसमें फ्रिक्शन क्रिएट करते थे और हीट पैदा हो जाती थी, उसमें से आग जल जाती थी विगोरेसली। अब देखो, आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, विगोरेसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स, हाउ डू यू फील। अपने दोनों हाथों को ना ऐसे 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 बहुत तेजी से रब करो, रगड़ो और फिर अपने फेस पे रखो। क्या आपको हीट महसूस हो रही है? यस, महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों हाथों को रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो हमारे दोनों हाथों के बीच में क्या क्रिएट हो रहा है, फ्रिक्शन, और जहां फ्रिक्शन है वहां पर हीट है। समझ गए? आई थिंक समझ गए होगे। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैचस्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। तुमने देखा होगा माचिस की तीली को, जैसे ही तुम उस माचिस के डिब्बे में जो बगल में फॉस्फोरस लगा होता है रेड कलर का, जब उस पर आप रब करते हो तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है उस माचिस की तीली में क्या लग जाता है, आग लग जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने ये समझा भाई कि फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। काफी एग्जांपल्स हैं, जैसे रबिंग ऑफ मैचस्टिक इन मैचबॉक्स, मैचबॉक्स में जब हम मैचस्टिक को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो आग जल जाती है। तो ये एक एग्जांपल ही है कि फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट व्हेन इट इज रन 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 कहाँ गया भाई, यस रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। आपने मिक्सर देखा होगा अपने घरों में, जो मिक्सर का ऊपर वाला डब्बा होता है जिसमें हम किसी चीज को रख के मिक्स करते हैं, अगर हमने मिक्सर को थोड़ा कुछ मिनट तक, दो चार मिनट तक लगातार चला दिया ना, तो वो जो ऊपर का जार होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस जार और मिक्सर के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। समझ गए? तो ये भी एक एग्जांपल है कि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस कर सकता है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच मोर वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब देखो, आपका जो फैक्ट्रीज में मशीन लगी होती है, मशीन में बड़े बड़े ऐसे कुछ बैरिंग्स लगे होते हैं, ये बैरिंग्स एक दूसरे में घिसते हैं और फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जितना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो भाई वो वेस्ट ही तो होगी ना, उसका हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी होता है, मशीन्स को चलाने में फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, मतलब अगर मशीन हमारा कोयले से चल रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा कोयला लगेगा। ठीक है, चलो आगे हम चलेंगे कि वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम आगे आने वाली टॉपिक्स में ये पढ़ेंगे कि हम फ्रिक्शन को कैसे घटा सकते हैं और हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। जहां जरूरत हो वहां आप फ्रिक्शन को घटा लो, जहां जरूरत हो आप वहां पर फ्रिक्शन को बढ़ा लो। तो नाउ स्टार्ट।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 12.4, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कैसे घटा सकते हैं, हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। ना हम फ्रिक्शन को घटा भी सकते हैं, हम फ्रिक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, हम वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सब सिचुएशन। हम जानते हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा कि फ्रिक्शन ना हो तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। फ्रिक्शन कहीं कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम पेन से पेपर में लिखना चाहते हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम रोड पर चलना चाहते हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपनी गाड़ियों को रोड पर चलाना चाहते हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहीं कहीं फ्रिक्शन जरूरी नहीं होता, हमें वहां पर फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। तो इन दोनों चीजों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? क्या आपने कभी सोचा है आपके जो जूते का जो निचला हिस्सा होता है, जो सोल होता है, देख रहे हो ये जूता है, ये इसमें क्यों ऐसी ऊबड़ खाबड़ सी ग्रूविंग की गई है? ग्रूविंग का मतलब क्या होता है? ग्रूविंग का मतलब होता है नाली बना देना, नाली जैसी कोई चीज। देख रहे हो आप यहां पर ये 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 छोटे छोटे गोले, और ये क्या है, ये सरफेस को, जो जूते का निचला वाला हिस्सा होता है, इसको खुरदुरा बना देते हैं, इसको रफ बना देते हैं। और जब सरफेस रफ हो जाएगा, तब ये शूज, तब ये जूता जब रोड पर चलेगा, हमारे पैरों में पहन के जब हम इसे चलेंगे रोड पर, तो ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा रोड और जूते के बीच में। और जहां पर फ्रिक्शन होगा तो हम फिसलेंगे नहीं और आसानी से चल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया है कि क्यों जूतों के सोल्स को ऊबड़ खाबड़ बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ताकि हमारे जो जूते का सोल है, जो हमारे जूते का एकदम नीचे वाला हिस्सा है ना, वो जमीन के साथ एकदम चिपक के चल सके, ग्रिप बना के चल सके और हम फिसले ना। सो दैट यू कैन मूव सेफली, ताकि आप एकदम आराम से, एकदम सुरक्षित तरीके से आप मूव कर सको, आप बिल्कुल ना फिसलो। इसलिए हमारे शूज में क्या की जाती है? ग्रूविंग की जाती है, समझ गए? सिमिलरली द ट्रीडेड टायर्स, कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। सेम ऐसे ही जो कार और ट्रक्स, ट्रैक्टर्स के जो ये देख रहे हो टायर होते हैं ना, जो ट्रेडेड टायर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडेड का मतलब होता है सर्कुलर टायर्स। जो कार, बुलडोजर्स, ट्रक और ट्रैक्टर्स की जो ये सर्कुलर टायर्स होती है ना, उनमें भी आप देख रहे हो ये ग्रूविंग की गई है। ये नाली के जैसे बहुत ऊबड़ खाबड़ सा सरफेस है इसका, देख रहे हो ना, ये नीचे है, ये ऊपर है, नीचे है, ऊपर है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो टायर्स हैं वो रोड से चिपक के चल सके, ये फिसले ना। और अगर टायर, जो गाड़ियों के टायर हैं, अगर वो रोड से चिपक के चलेंगे तो फ्रिक्शन अच्छा रहेगा, ब्रेक आसानी से लगेगा, हम गाड़ियों को आसानी से रोक सकते हैं। और अगर यहीं पर ये फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा? ब्रेक लगेगा नहीं, हम ब्रेक यहां पर मारेंगे, हम आधा किलोमीटर जाके सड़क के एकदम जाके लड़ जाएंगे कहीं पर भी। हमने देखा होगा हमारी साइकिल जब नई नई होती है, उसके टायर्स, तो ब्रेक बड़े अच्छे से लगते हैं। और अगर वहीं पर हमने एक दो साल उस टायर को यूज कर लिया, उस साइकिल के टायर को चेंज नहीं कराया, तो वो जो टायर है वो फिसलने लगती है। फिसलने क्यों लगती है? क्योंकि उसका जो ग्रिप होता है, ऐसा बनाया जाता है ना छोटा छोटा साइकिल्स के टायर्स में, वो घिस जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगता। तो समझ गए, तो बहुत ज्यादा जगह तो जरूरी भी है, जैसे जूतों में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रूविंग की जाती है, टायर्स में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए इसके सरफेस को काफी इररेगुलर बनाया जाता है, समझ गए? अब हम आगे चलेंगे। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स। हमने देखा है जो हमारी साइकिल हो गई या जो बाइक्स हो गई, उनके ब्रेक्स में ना रबड़ लगी होती है, जिसे हम ब्रेक पैड कहते हैं। ये रबड़ जैसे ही रिम के साथ टच में आती है, ये तुरंत गाड़ी को रोक देती है। कैसे रोक देती है? When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. अब देखो, जब तुम साइकिल चला रहे हो तब तो तुम ब्रेक को दबाते नहीं हो। जब तुम ब्रेक को नहीं दबाओगे तो जो ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, पहले ये जान लो कि ब्रेक पैड्स क्या होते हैं। ये देखो, ये है पहिया, पहिए के इधर ऊपर आप देख रहे हो एक ब्लैक कलर की क्या लगी हुई है, ये
आप अपने साइकिल पे भी देखोगे तो एक ब्लैक कलर की क्या लगी हुई होती है, रबड़ लगी हुई होती है। ठीक है, तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो जो ये रबड़ है ये रिम के साथ टच में नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक को दबाते हैं, ब्रेक लीवर को दबाते हैं ना, तो ये जो ये पैड्स हैं रबड़ के, वो तुरंत रिम को अरेस्ट कर लेते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो रिम घूम रहा था अब तक, जब तक हमारी साइकिल चल रही थी, जैसे ही हमने ब्रेक लगाया, ये जो रबड़ का पैड है ये रिम से जाके टच हो गया और रिम को रोक लिया इसने। कैसे? क्योंकि ये जो रबड़ है और ये जो रिम है इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो गया, और जहां पर फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है वहां पर चीजें ऑटोमेटिकली रुक जाती हैं। चलो हम और भी एग्जांपल्स लेते हैं। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, हमने देखा कि बाइसाइकिल के जैसे ही हम ब्रेक का यूज करते हैं तो जो ब्रेक पैड्स होता है, जो रिम के एक तरफ लगा हुआ होता है ना, वो तुरंत रिम से जाके We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. हमने देखा है जब हम साइकिल चलाते हैं, या आपने बाइक में भी देखा होगा, आपने साइकिल में देखा होगा यार, कि साइकिल में एक ब्रेक पैड लगा होता है। ब्रेक पैड क्या होता है? देखो ये है, ये साइकिल का पहिया है और साइकिल के पहिए के ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का रबड़ लगा होता है। आप अपनी साइकिल में जाकर देखो, आपको दिखेगा। ये रबड़ क्या करता है? जैसे ही रिम के साथ टच होता है ना, ये तुरंत रिम को रोक लेता है। रिम का मतलब समझ रहे हो? ये जो गोलाकार रिंग है ना, इसी को रिम कहते हैं। ठीक है, ये जैसे ही रबड़ रिम के साथ टच में आता है, ये तुरंत साइकिल को रोक देता है। ठीक है, और इस वजह से हम कह पाते हैं कि हमारी साइकिल जैसे हमने ब्रेक लगाया तो वो रुक गई। ठीक है, व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, चलो देखो हम आपको बताते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। जब आप साइकिल चला रहे होते हो ना, जो ब्रेक पैड्स होते हैं, जो ये पहियों के इस तरफ ये जो काले कलर की चीज लगी है, ये रबड़ की होती है, इसको हम ब्रेक पैड कहते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तब तो ये ब्रेक पैड रिम के साथ टच में नहीं रहता, और इसलिए हमारी साइकिल आसानी से चलती रहती है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, लेकिन जैसे ही तुम ब्रेक को दबाते हो, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम, जो ये रबड़ के पहिए है ना, वो तुरंत इस रिम के साथ चिपक जाते हैं। जैसे ही चिपक जाएंगे तो ये इस रिम के मोशन को अरेस्ट कर लेंगे, रोक लेंगे, और इस वजह से जो रिम अभी तक मूव कर रही थी वो तुरंत रुक जाती है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, और इस तरीके से साइकिल के जो पहिए हैं वो चलना बंद हो जाते हैं जब हम ब्रेक को लगाते हैं। तो समझ गए, साइकिल में या मोटरसाइकिल में या कार्स में ब्रेक को लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम अपने साइकिल में ब्रेक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स। तुमने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, जो लोग कबड्डी खेलते हैं, वो अपने हाथों को ना मिट्टी से रगड़ते हैं, वो जमीन से, ग्राउंड से मिट्टी उठाते हैं, अपने दोनों हाथों से रब करते हैं, रगड़ते हैं, ताकि जो अपोनेंट से आने वाला बंदा है, जो उस तरफ से इनके पाले में आ रहा है, उसको आसानी से पकड़ ले। ठीक है, और वो इनके हाथों से क्या करे, सरक ना जाए, इनके हाथों से स्लिप ना कर जाए। ठीक है, तो मिट्टी रगड़ने से क्या होता है, फ्रिक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जब फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो पकड़ होगा वो किसी चीज पर बहुत ज्यादा मजबूत होगा। समझ गए? आपने भी तो ऐसा किया होगा यार, अगर आपका हाथ फिसलता है तो आपने मिट्टी लगा ली होगी या पाउडर लगा लेते हो ताकि हमारा हाथ फिसले ना। जो जिम्नास्ट होते हैं, जो जिम जाते हैं लोग, वो अप्लाई सम कोर्स, वो अपने हाथों में ना कुछ पाउडर, जो सफेद सफेद पाउडर आता है ना लगाने के लिए, उसको लगा लेते हैं, ताकि उनके जो हैंड्स हैं और जो मशीन वो उठा रहे हैं, चाहे वो लिफ्टिंग मशीन उठा रहे हो, चाहे वो डंबल उठा रहे हो अपने हाथों से, उसको अच्छी तरीके से पकड़ने के लिए, उसको अच्छी तरीके से ग्रिप करने के लिए वो पाउडर अपने हाथों में लगाते हैं, और जैसे ही वो पाउडर अपने हाथों में लगाते हैं, वो आसानी से उस डंबल को, उस बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनों को उठा पाते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये मशीनें इनके हाथों से फिसल जाती, इन्हें चोट भी लग जाती थी। तो समझ गए फ्रिक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो अब तो हमने ये देखा कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम कोई जैसे मिट्टी लगा लिया हमने अपने हाथों में, हमने अपने हाथों में पाउडर
कोअर्स लगा लिया, ठीक है, या जैसे हमने साइकिल्स में देखा कि हमने ब्रेक पैड्स, जो रबड़ के ब्रेक पैड्स होते हैं, उनको जैसे ही टच में आता है रिम के, वो रोक देता है गाड़ियों के। तो हम यहां पर ये सीखे हमने कि हम कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब जहां पर फ्रिक्शन जरूरी नहीं है, इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें फ्रिक्शन को घटाने की जरूरत पड़ती है, वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट, वहां पर हमें फ्रिक्शन को हटाना होता है। तो चलो हम ये सीखते हैं कि हम फ्रिक्शन को हटाएंगे कैसे। हमने यहां पर सीखा कि हम फ्रिक्शन को बढ़ाएंगे कैसे। कैसे बढ़ाएंगे? हम जितना ज्यादा सरफेस को रफ करेंगे, खुरदुरा करेंगे, उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है। चलो तो अब यहां पर हम सीखेंगे कि हम फ्रिक्शन को घटाएंगे कैसे। व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड? तुमने देखा होगा कि जब बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है पूरा, उस पर पाउडर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? ताकि जो उनका स्ट्राइकर है ना, वो कैरम बोर्ड के डायरेक्ट टच में ना आए, और अगर डायरेक्ट टच में नहीं आएगा तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा। फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा तो ये स्ट्राइकर यहीं जाके रुकेगा नहीं, ये पाउडर लगने की वजह से फ्रिक्शन एकदम जीरो हो जाता है, मतलब जीरो तो नहीं होता, थोड़ा सा कम हो जाता है, और ये स्ट्राइकर आसानी से यहां स्लाइड करेगा, यहां स्लाइड करेगा, यहां स्लाइड करेगा, आसानी से फिसलने लगता है, ठीक है। इसी के लिए बच्चे कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर का यूज करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को हटा सके और उनका स्ट्राइकर जो है वो आसानी से मूव कर सके। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोअर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर, द डोर मूव्स स्मूथली। तुमने देखा होगा जो आपके दरवाजों के ज्वाइंट्स होते हैं, जो आप कह सकते हो, जो ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो आप दरवाजे का, ये जो पेच होता है, ठीक है, इसमें हम समय समय पर तेल ऑयल देते रहते हैं ताकि ये जो दरवाजा है ये आसानी से स्मूथली खुले और स्मूथली बंद हो जाए। अ बाइसाइकल एंड मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन्स। अब जो साइकिल के मैकेनिक्स होते हैं या जो गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं ना, वो गाड़ियों या बाइसाइकिल के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये साइकिल है ना, ये देख पा रहे हो ये पहिया है और पहिए के बीच में ये वाली जो जगह है ना, ये मूविंग पार्ट कहलाती है। और आप देख रहे हो ये पैडल है, पैडल को भी बीच में मूविंग पार्ट होता है, बैरिंग लगी हुई होती है, वो अंदरूनी चीज है, आपने शायद नहीं देखी होगी। आप बस इतना जानो कि यहाँ इस साइकिल में मूविंग पार्ट्स कौन कौन सी, जैसे देखो ये मूविंग पार्ट्स है, देखो ये मूविंग पार्ट्स है, पिछले वाले भी टायर का ये मूविंग पार्ट्स है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हम ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या होता है भाई? ग्रीस एक केमिकल होता है, अगर हम किसी भी दो चीजों के बीच में लगा दें ग्रीस को, तो क्या करता है ग्रीस, ग्रीस उन दोनों चीजों में फ्रिक्शन को घटाता है, और जिसकी वजह से हमारी साइकिल में, हमारी गाड़ियों में आवाज नहीं आता, ठीक है। बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स इन ऑल द अबव केसेस, ये जो सारे एग्जांपल्स हमने देखे, चाहे कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़कने की बात हो, चाहे दरवाजों में ऑयल अप्लाई करने की बात हो, या अपने साइकिल में, अपनी गाड़ियों में हम ग्रीस लगवाते हैं, तो इन सारे केसेस में क्या है, वी वॉन्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इन सारे एग्जांपल्स में हम फ्रिक्शन को घटा रहे हैं। हम क्यों घटा रहे हैं? ताकि हमारा काम जो है काफी मेहनत से जो होने वाला था, अब वो हम काफी आसानी से कर पाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सर्फेसिस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना, जब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्फेस है और ये एक सर्फेस है, ये दोनों सर्फेस अगर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएंगे तब तो भाई फ्रिक्शन क्रिएट होगा और ये दोनों चीजें आसानी से मूव नहीं कर पाएंगी। लेकिन जैसे ही हम ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ग्रेफाइट का मतलब वही सफेद कलर का जो पाउडर होता है जो हम कैरम बोर्ड में छिड़कते हैं, ठीक है, तो ऑयल लगा ले हम या ग्रीस लगा ले या ग्रेफाइट लगा लेना, वो क्या करता है, जैसे ही दो सर्फेसेस के बीच में हम इनको अप्लाई करते हैं, ये एक पतली सी लेयर बन जाती है, आप देख रहे हो एक थिन लेयर बन गई है, जिसकी वजह से दो सर्फेसेस आपस में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं रहते, और कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे भाई तो एक दूसरे को रगड़ेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा और ये चीजें आसानी से चलती रहेंगी, समझ गए। इसलिए ऑयल का यूज होता है, इसलिए हम अपनी गाड़ियों में ग्रीस लगाते हैं, ताकि दो
मूविंग पार्ट्स के बीच में एक थिन, एक पतली सी लेयर बन जाए और वो लेयर आसानी से उन दोनों चीजों को मूव करने में मदद करे, फ्रिक्शन को घटाए। समझ गए? चलो, इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन ऑयल, इन तेल को लगाने का या ग्रीस को लगाने से, या जो ग्रेफाइट जो हम पाउडर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, ये आपका स्ट्राइगर है और ये आपका कैरम बोर्ड है। अगर हम इस पाउडर को ना लगाएं इस कैरम बोर्ड के ऊपर, तो आप देखोगे ये जो स्ट्राइगर है ये कैरम बोर्ड के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे हमारा स्ट्राइगर बहुत दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसके बीच में, स्ट्राइगर और कैरम बोर्ड के बीच में हमने ये पाउडर लगा दिया, तो पाउडर की एक पतली सी लेयर बन जाती है जो स्ट्राइगर को फिसलने में मदद करती है। कैसे फिसलने में मदद करती है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है। समझ गए? मूवमेंट बिकम्स स्मूथ। चलो, तो इसी की वजह से ये स्ट्राइगर आसानी से मूव करने लग जाता है। द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ऐसी चीजें जो फ्रिक्शन को घटाते हैं, चाहे वो ऑयल हो गया, चाहे वो ग्रीस हो गया, चाहे वो व्हाइट पाउडर हो गया, इन तीनों चीजों को हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट। कई ऐसी भी मशीनें हैं जहां पर ऑयल को हम नहीं लगा सकते। जैसे हम अपनी साइकिल में तो तेल लगा देते हैं और हमारी साइकिल स्मूथली चलने लगती है, लेकिन कई ऐसी भी मशीनें होती हैं जहां पर हम ऑयल का यूज नहीं कर सकते। हम वहां पर क्या यूज करते हैं? एन एयर क्यूशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। चलो, हम क्या करते हैं? एयर क्यूशन। क्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लो। तकिया, तकिए में हवा भर देते हैं और दो मशीन्स के बीच में हम उस एयर को, एयर क्यूशन को, उस हवे से भरी तकिए को रख देते हैं, जिससे दो मशीन आपस में, इन एयर क्यूशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम वहां पर क्या यूज करते हैं? हम एयर क्यूशन का यूज करते हैं। एयर क्यूशन क्या होता है? चलो, अब हम जैसे जान लेते हैं कि कोई दो सरफेस है, जैसे ये एक सरफेस हो गई, एक सरफेस ये हो गई। अगर हम इन दोनों सरफेस के बीच में पाउडर नहीं लगा पाए, या हम ऑयल का यूज नहीं कर पाए, या हम ग्रीस नहीं लगा पाए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक हवे से भरी हुई तकिया, एयर क्यूशन, हम इन दोनों के बीच में रख देंगे, जिससे ये दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगी, और कांटेक्ट में नहीं आएंगी तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा और ये मशीन आसानी से चलता है, आसानी से मूव करने लग जाता है। तो समझ गए, फ्रिक्शन घटा कैसे सकते हैं हम और फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ बुझो कुछ पूछ रहा है। बुझो पूछ रहा है कि कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सर्फेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। अगर कोई सरफेस है, बुझो पूछ रहा है कि फॉर एग्जांपल ये टेबल का एक सरफेस है, और इस टेबल के सरफेस को अगर हम बहुत ज्यादा पॉलिश कर दें, या इसे बहुत ज्यादा चिकना बना दें ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, या कोई भी फिसलने वाली चीज लगाकर, इस टेबल पर हम इस टेबल के फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस टेबल पर बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना लगे? तो यहां पर पहली इसे बता रही है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। किसी भी सरफेस से पूरी तरीके से फ्रिक्शन को हटाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। क्योंकि कोई भी सरफेस हो वो पूरी तरीके से चिकना नहीं हो सकता है, क्योंकि सम इररेगुलरिटीज आर आल्सो देयर। चाहे कैसा भी सरफेस हो, उसमें थोड़ी बहुत तो रफनेस होगी ही, थोड़ा बहुत तो खुरदुरापन होगा ही, और जहां पर सरफेस रफ होता है वहां पर फ्रिक्शन लगता ही लगता है। कई सरफेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रफ होता है, वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो रफनेस होती है वो कम होती है, तो वहां पर फ्रिक्शन भी कम लगता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 12.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। कैसे पहिए फ्रिक्शन को रिमूव कर सकते हैं? हमने देखा है कि कोई बैग है, जैसे ये एक लड़का है ना, आप देख रहे हो, ये लड़के ने बैग लिया हुआ है। इस बैग को खींचना काफी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें पहिए लगे हैं। पहिए क्या काम करते हैं? पहिए फ्रिक्शन को कम करते हैं। आप देखो, पहिए तो आसानी से घूम जाएंगे, तो फ्रिक्शन थोड़ा
कम लगेगा और हमें किसी भी चीज को खींचने में थोड़ी सी कम फोर्स लगानी होगी। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि कैसे व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम अटैचेस एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज फिटेड विथ रोलर्स। तुमने देखा ही होगा कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं, ठीक है, फिटेड विथ रोलर्स। Even a child can pull such pieces of luggage. अब ये जो bags होते हैं, ठीक है, इन bags को बच्चे भी खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं? क्योंकि उसमें पहिए लगे हैं। Why is it so? ऐसा क्यों होता है कि किसी भी चीज में अगर हम wheels लगा दें तो उसे खींचना आसान क्यों हो जाता है? Let us find out. हम इसी को पता करेंगे now. But before proceeding, एक activity है यहाँ पर, activity number 12.4. इस activity में हमें करना क्या है? पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस फिगर को देखो। मैं आपको समझा देता हूं कि इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है। इस एक्टिविटी में आपको चेक करना है कि ऐसे अगर कोई भी चीज व्हील्स के थ्रू चलती है, अगर कोई भी चीज पहियों के बल पर चलती है, तो उस चीज को खींचना थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहिए की वजह से फ्रिक्शन कम लगता है। आप क्या करो, आप एक बुक लो और बुक के नीचे ऐसे 3-4 पेंसिल्स लग दो, ठीक है। अब तुम बुक को पुश करने की कोशिश करो, तुम बुक को पीछे ढकेलने की कोशिश करो, तुम देखोगे तुम्हें काफी कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बुक के नीचे पहिए लगे हैं, ऐसे घूम घूम के वो चल रहे हैं। अब क्या करो, अब पेंसिल्स को हटा दो और अब डायरेक्टली इस बुक को टेबल पर रख दो और फिर इसे अपनी तरफ खींचो या अपने से दूर ढकेलो। तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे इस बार जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इस बार पहिए नहीं है और आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लग रहा है इस बुक को धक्का देने में, है कि नहीं है? यस। तो इस एक्टिविटी से हमने जाना भैया कि व्हील्स क्या होते हैं, व्हील्स फ्रिक्शन को कम करते हैं। नाउ व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द सेंस, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, फ्रिक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पहले इन दोनों को अपने लैंग्वेज में समझ लो कि रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन नाम से ही क्लियर है। जैसे देखो, ये बैग है, ये बैग रोल कर रहा है, मतलब ये बैग है जो पहियों के दम पर चल रहा है, ठीक है। अब इस पहियों के घूमने की वजह से अब भी यहां पर कोई ना कोई फ्रिक्शन तो लग रहा होगा। तो अगर कोई भी सरफेस किसी दूसरे सरफेस के ऊपर ऐसे घूम घूम कर पहियों के थ्रू चल रही है, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहां पर डेफिनेशन दी गई है, आप आसानी से पढ़ सकते हो कि व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। अगर कोई एक ऐसी चीज है, जैसे ये बैग ही है, अगर ये बैग इस जमीन के ऊपर रोल करता है, पहियों के थ्रू चलता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन इन पहियों को रोक रही है, हम जानते हैं फ्रिक्शन का क्या काम होता है, फ्रिक्शन किसी भी चलती हुई चीज को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो अगर पहियों को रोकने का जो फ्रिक्शन काम करता है, उस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं, समझ गए। नाउ आगे हम बढ़ेंगे कि रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब अगर कोई भी चीज वो पहियों के थ्रू चल रही है, अगर कोई भी चीज घूम घूम कर चल रही है, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। रोलिंग की वजह से, गोल गोल घूमने की वजह से फ्रिक्शन थोड़ा कम लगता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। अब देखो, यहां पर यह बताया गया है कि हम किसी चीज को, ये बैग है, इस बैग में पहिए लगे हैं, तब इस बैग को खींचना हमारे लिए काफी इजी होगा। अब अगर इस बैग में पहिए नहीं लगे होते, हमें इसे डायरेक्टली खींचना होता, तो हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होती। क्यों? क्योंकि जब पहिए लगे हैं तो फ्रिक्शन कम है, हमें ताकत कम लगानी पड़ रही है। अब अगर पहिए नहीं होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जब फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। और यही कारण है कि ऐसे बैग्स, ऐसे आप कह सकते हो जो बड़ी बड़ी अटैची होती है, जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो एयरपोर्ट्स पे लोग लेके आते जाते हैं, उनमें पहिए लगे होते हैं, और इसलिए ये इन बैग्स को खींचना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेट टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड। अब आपको समझ में आया
क्यों ऐसा कहा जाता है कि इंसान ने जो व्हील्स की इन्वेंशन की है, इंसान ने जो पहियों का आविष्कार किया है ना, वो अब तक का सबसे खूबसूरत आविष्कार है, वो अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार है। अगर पहिए ना होते तो सोच लो हमारी जिंदगी कितनी सुनी सुनी होती। हमें कोई चीज ऐसे पहियों पर ना ले आके हमें अगर खींचना पड़ता तब तो पता चलता आपको कि पहिए ना होते तो क्या होता। ठीक है, चलो हम चलते हैं आगे कि सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसमें हमें ताकत कम लगानी पड़ती है, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को रोल करा के ले आना, किसी चीज को आपने देखा होगा घरों में जब सिलेंडर आता है, सिलेंडर अगर कोई उठा नहीं पाता तो सिलेंडर को हम ऐसे मतलब रोल रोल करके घुमा घुमा के घर के अंदर तक ले आते हैं। क्यों? क्योंकि घुमा के लेके आना रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो थोड़ा कम फोर्स लेता है, और अगर उसी चीज को हमें खींच के लाना होता तो थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन लगता। ठीक है, तो यही यहां पर बताया गया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा कम लगता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज में पहिए लगे हैं तो इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, और किसी चीज में पहिए नहीं लगे हैं तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। समझ गए? स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग By the use of ball bearings. अब क्या है ना, जो आधुनिक मशीनें आ रही हैं, अब पहले के जमाने में क्या होता था, पहिए मशीन्स में नहीं लगते थे, जिसकी वजह से किसी भी मशीन को खींचना, किसी भी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता था। लेकिन अब क्या है, अब जो आधुनिक मशीन्स आ गई हैं उनमें क्या लगे होते हैं, उनमें व्हील्स लगे होते हैं, बॉल बैरिंग्स का यूज करके पहिए लगा दिए जाते हैं। आप देख रहे हो ये बैग है, इस बैग में पहिया लगा है, इसमें भी बॉल बैरिंग का यूज हुआ होगा। बॉल बैरिंग कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा ही होगा इसे, ये हमेशा व्हील्स के बीच में यूज होता है, समझ गए, और गोल 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 घूमने में मदद करता है। तो यहां पर यही बताया गया है कि जो आजकल आधुनिक मशीनें आ रही हैं अब उसमें पहिए लगा दिए गए हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले आना काफी आसान हो जाए। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बैरिंग्स बिटवीन हब्स and the axles of ceiling fans and bicycles. आपने देखा होगा जो आपका छत का पंखा है, जो आपके रूम में पंखा लगा है, फैन लगा है, वो गोल गोल कैसे घूमता है। देखो ये है हब्स एंड एक्सल्स, आपने देखा होगा हब्स एंड एक्सल्स इसे ही कहते हैं। ये जो लंबी रॉड दिख रही है आपको, ये वाली जो चीज होती है वो राउंड राउंड गोल 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 घूमती है, तभी तो हमारा जो पंखा है वो गोल 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 घूमता है। ठीक है, तो ये जो हब्स एंड एक्सल्स होते हैं, हब्स एंड एक्सल्स में बॉल बैरिंग्स लगे होते हैं, और ये बॉल बैरिंग्स पंखे को राउंड राउंड गोल गोल घूमने में मदद करते हैं। हमारे जो साइकिल के पहिए होते हैं उसमें भी बॉल बैरिंग का यूज हुआ होता है, और इसी कारण से हमें साइकिल चलाना काफी आसान हो जाता है। नाउ दिस विल बी द लास्ट आई थिंक पेज ऑफ दिस चैप्टर। बॉल बैरिंग कुछ ऐसा होता है, मैंने आपको पहले भी इमेज दिखाया, आप देख रहे हो बीच बीच में छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं, और अगर इस ये जो होल दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा, इस होल में अगर कोई डंडे हम इसमें डाल दें तो क्या होगा, ये जो बॉल बैरिंग है ये गोल 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 घूमने लगेगा। ठीक है, तो बॉल बैरिंग का ही यूज करके किसी भी व्हील को, किसी भी पहिए को चलाया जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन? नाउ फ्लूइड क्या होता है पहले ये जान लो। हम जानते हैं हमारे अगल बगल थ्री टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, यही तीन प्रकार की हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें होती हैं वो केवल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकती हैं। चाहे तो वो चीज सॉलिड है, या हो सकता है वो चीज लिक्विड हो, या हो सकता है वो चीज गैस हो। ठीक है, तो गैस और लिक्विड को हम फ्लूइड कहते हैं, साइंस की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसे। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, तुम जानते हो कि जो हवा है वो काफी हल्का होता है और काफी पतला होता है। एट इट एग्जर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट, लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज हवा को चीरती हुई जा रही है, अगर कोई भी चीज हवा के बीच में से जा रही है, तो वो एयर, वो जो हवा है ना, वो उस बढ़ती हुई चीज के ऊपर फ्रिक्शन लगाता है। जैसे देखो आपने देखा होगा ये एरोप्लेन है, ये एरोप्लेन दिख रहा है आपको, ये एरोप्लेन जब आगे बढ़ता है ना तो इनके पंखों पर काफी ज्यादा दबाव होता है। वो दबाव कौन एग्जर्ट करता है, ये दबाव एयर एग्जर्ट करता है। हम जानते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा एरोप्लेन इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, पीछे वाली डायरेक्शन में लगेगा। समझे? आगे चलते हैं कि सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स
exerts force of friction when objects move through them. और इसी तरीके से अगर कोई water है, अगर हमने बाल्टी में भर दिया पानी और इस पानी में हमें डालना हुआ बॉल को अंदर, ठीक है, तो इस बॉल को भी एक फ्रिक्शन से होकर गुजरना पड़ेगा. वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? वो भी फ्लूइड फ्रिक्शन होता है. आपने देखा है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये बाल्टी है और बाल्टी में रखा है पानी. अगर हम बॉल को अंदर डालने की कोशिश करें तो हम फोर्स किस तरफ अप्लाई करेंगे? हम फोर्स अंदर की तरफ अप्लाई करेंगे. लेकिन जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो इस चीज को बाहर की तरफ फेंकेगा, तो इसी को कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन. अगर किसी चीज को हम गैस या पानी के बीच में डाल रहे हैं तो उस समय जो फ्रिक्शन प्ले में आती है, उस समय जो फ्रिक्शन काम में आती है, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम देते हैं. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड. हम साइंस में गैसेस और लिक्विड्स को एक अलग ही नाम देते हैं जिसे हम फ्लूइड्स कहते हैं. समझ गए? नाउ इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के हमें एक चीज तो पता चल गई है कि वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम. अगर कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? हवा और पानी. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हवा या पानी के बीच में से होकर गुजर रही है तो उस ऑब्जेक्ट पर एक फ्रिक्शन काम करेगा, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलेंगे. समझ गए? तो फ्लूइड फ्रिक्शन एक्चुअल में होता क्या है? अब आगे बढ़ते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग. हम फ्लूइड फ्रिक्शन को एक और नाम दे सकते हैं. कौन सा फ्रिक्शन? ड्रैग. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. हम पढ़ते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. अब देखो, अब कोई भी फ्लूइड है, चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, अगर हवा और पानी के बीच में से कोई भी चीज मूव कर रही है तो उस समय उस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा. लेकिन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है. कौन सी तीन चीज पर? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द फ्लूइड. इन तीनों चीजों के बारे में पहले समझ लो. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हवा या पानी में बहुत तेजी से अंदर जाती है, तब तो हम कहेंगे कि इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम लग रहा है. लेकिन वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी फ्लूइड के अंदर स्लोली स्लोली जाती है तो उस पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा लगेगा. तो स्पीड पर डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा. अब देखो, अपनी भाषा में समझते हैं. कोई बकेट है, आप समझ लो ये बाल्टी है, और इस बाल्टी में हमें एक बॉल को अंदर डालना है. अगर हम इस बॉल को तेजी से इस बाल्टी के अंदर डालेंगे तो हम देखेंगे ये बॉल इस बाल्टी के नीचे तक जाके फिर ऊपर आ जाएगा. लेकिन अगर हम इस बॉल को धीरे से इसके अंदर डालना चाहेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा और ये बॉल पूरा अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा. समझ गए? दूसरा किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमने एरोप्लेन को देखा है, हवा में एरोप्लेन गुजरता है, हमने देखा ही है. तो भाई देखो, एरोप्लेन, अब ये फॉर एग्जांपल ये है एयर, अब इसमें एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जाएगा और जो फ्लूइड इस एरोप्लेन के ऊपर, ये जो हवा है इस एरोप्लेन के ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी. इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं जो इस डायरेक्शन में लगेगी. समझ गए? अब अगर इस एरोप्लेन की जो शेप है, जो आकार है, वो सामने की तरफ नुकीला है, तब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा. लेकिन वहीं पर अगर इस एरोप्लेन का जो सामने वाला हिस्सा है अगर बहुत ज्यादा चौड़ा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. तो शेप पर भी डिपेंड करता है. और किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द फ्लूइड. जो हवा है वो अगर ज्यादा डेंस है, ज्यादा गजिन है, मतलब ऐसे कह लो आप कि आप जैसे देखो दो तरीके के लिक्विड्स हो सकते हैं. जैसे हमारा रोड बनाने के लिए चारकोल का यूज होता है, चारकोल भी एक फ्लूइड ही है क्योंकि वो एक लिक्विड के जैसे ही होता है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज उसमें भी अप्लाई होती है. तो जो चारकोल होता है, अगर चारकोल के अंदर हम बॉल को डालें तो जो चारकोल है वो बहुत ज्यादा गजिन होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा. और वहीं पर कोई एक ऐसा फ्लूइड जो काफी हल्का हो, जैसे पानी, पानी के अंदर हम कोई भी चीज डालें तो वो आसानी से उसके अंदर चली जाएगी. क्यों चली जाएगी? क्योंकि भैया वो जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है कि वो लिक्विड काफी लाइट है, काफी हल्का है. ठीक है, तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड तेज है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड
कम है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर वहीं पर शेप की बात करें हम, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के बीच में से गुजर रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट नुकीला है तब तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा और वो ऑब्जेक्ट आसानी से गुजर जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा एरोप्लेन होता है, आपने देखा होगा एरोप्लेन सामने की तरफ नुकीला होता है, क्यों? ताकि वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ सके, ठीक है। और किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड है, जैसे हवा में अगर कोई चीज मूव कर रही है या कोई चीज पानी में मूव कर रही है, तो उस समय हवा या पानी कितना गजिन है, कितना डेंस है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कम लगेगा कि फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। अगर फ्लूइड हमारा काफी डेंस है तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और वहीं पर फ्लूइड अगर हल्का है, लाइट है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफी कम लगेगा। चलो आगे चलते हैं कि इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, ये एकदम बिल्कुल ही आम बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव करती है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन, उन्हें एक फ्रिक्शनल फोर्स से होके गुजरना पड़ता है, जिस फ्रिक्शनल फोर्स का हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो किसी भी फ्लूइड के अंदर जाएगी तो उसे अपना ताकत लगाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लूइड के अंदर जाने के लिए जो फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है उसके बॉडी के ऊपर, उस फ्लूइड फ्रिक्शन को हटाने के लिए ना वो ऑब्जेक्ट एनर्जी लूज करता है। जैसे एरोप्लेन ही, एरोप्लेन हवा में कैसे चलता है, उसमें पेट्रोल डीजल किसी भी चीज का तो यूज होता होगा ना, तो एनर्जी लूज होती है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, ठीक है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। अब हमने देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन ही है, अगर वो हवा के बीचों बीच से गुजरती है तो बहुत ज्यादा उसे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो अब हमने क्या किया है, हमने जो एयर और लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो हम उसको अपने हिसाब से शेप देते हैं, सामने की तरफ, जैसे एरोप्लेन ही है, एरोप्लेन का जो सामने का तरफ होता है, जो फ्रंट साइड होता है, वो काफी नुकीला होता है, क्यों होता है, ताकि जो फ्रिक्शन है उस पर कम लगे, ताकि जो फ्रिक्शन है वो एकदम मिनिमम लगे, ठीक है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स, क्या तुमने कभी सोचा है साइंटिस्ट ने इन एरोप्लेन के शेप्स को कैसे डिजाइन किया होगा, उनके दिमाग में ये शेप कहां से आया होगा? ऑफ कोर्स फ्रॉम नेचर, देखो नेचर से भाई, भगवान ने पक्षियों को बनाया है और आराम से पक्षियां जो होती हैं वो हवा में उड़ सकती हैं, वो पानी के अंदर भी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गई, वो ज्यादातर जो अपना टाइम बिताती हैं वो फ्लूइड्स के अंदर ही बिताती हैं, जो पक्षियां होती हैं वो हवा में उड़ती हैं, और वहीं जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं। तो मछलियों को और बर्ड्स को देखकर इंसान ने क्या बनाया? एरोप्लेन बनाया। Their bodies must have evolved to shapes which would make them lose less energy. इसीलिए ये जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो फ्लूइड के अंदर से गुजर रहा है, जैसे आपने वो सबमरीन देखा होगा, सबमरीन का क्या हम हिंदी में कहते हैं ना, पनडुब्बी जो होता है वो पानी के अंदर भी चलता है, पानी के ऊपर भी चलता है, तो पनडुब्बी को सामने की तरफ से नुकीला बनाया जाता है। क्यों नुकीला बनाया जाता है? ताकि वो पानी के फ्रिक्शन को कम कर सके, मिनिमाइज कर सके, समझ गए। You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in shape and that of a bird? इस एरोप्लेन को देखो, क्या इस एरोप्लेन को देखकर आपको पक्षी के शेप की याद आ रही है? Yes, बर्ड के शेप का ही तो ये एरोप्लेन बनाया गया है। जी हाँ बिल्कुल। Do you find any similarity in its shape and that of a bird? In fact, All vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. केवल एरोप्लेन की ही बात नहीं है, चाहे कोई भी व्हीकल हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, उसको इस तरीके से शेप दिया गया है, उस गाड़ी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि अगर वो हवा में या पानी के बीच में से होकर उसे गुजरना पड़े तो उस समय फ्रिक्शन सबसे कम लगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को मैंने थोड़ा सा लंबा खींचा है, आई होप, बट वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो यार दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।